हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ी चिटकारे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बथुआ की एक न्यू रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है, घर में हर किसी को पसंद आएगा। तो फ्रेंड, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इस रेसिपी के लिए हमने बथुआ लिया है, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, पानी में अच्छे से धो लिया है और इस तरह से इसके छोटे छोटे हमने इसके पत्ते जो है अलग कर लिए हैं। बथुआ मार्केट में ईजिली मिल जाता है, बहुत ही हेल्दी ये होता है, इसके बेनिफिट काफ़ी है। हरी सब्जी चाहे कोई वो हर कोई अच्छी ही होती है। तो यहाँ पे हमने बथुए को कट कर लेना है, जैसे नॉर्मल हम हरी सब्जी कट करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने बथुए को भी कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे हम बेसन ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं 2 से 1.5 चम्मच यहाँ पे गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बाद में आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि इसको मैंने क्यों यूज़ किया है। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन और टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे और चुटकी भर यहाँ पे हल्दी भी यूज़ कर लेंगे। थोड़ा चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पे लाल मिर्ची और यहाँ पे भुना हुआ जीरे का पाउडर और यहाँ पे अदरक लहसुन का हम यहाँ पे पेस्ट डालेंगे। इसको डालने से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा। बस अब हमने क्या करना है, इसे हाथों से हमने गूंद लेना है बिना पानी डाले हुए, क्योंकि बथुए की सब्जी में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, हरी सब्जी कोई भी हो मॉइस्चर उसमें रहता है। बस हमने इसे एक डो के फॉर्म में बना लेना है। बहुत ही टेस्टी और यूनिक ये रेसिपी है, बथुए की रेसिपी, मतलब यानी कि बथुए की सब्जी आपने बहुत तरीके से बनाई होगी। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके सामने सारी सब्जियां फेल हो जाएंगी, बहुत ही टेस्टी होती है। तो हमने इसका एक डो फॉर्म बना लिया है। ज़रा अच्छे से मैं चले थोड़ा सा हाथों को अच्छे से थोड़ा साफ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हाथ मैंने धो लिए हैं, तो अच्छे से एक बार हम थोड़ा सा हाथ में डो लेंगे इस तरीके से और इसे इस तरह से हम एक रोल का शेप देंगे। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, एक यूनिक जो सब्जी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से सारे हमने इसके रोल बना के तैयार कर लेने हैं। अगर आपको लगे कि आपके हरी इसमें पानी हो गया है तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे हमने रोल बना लिए हैं, यहाँ पर 4 रोल बने हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, चलिए गैस की तरफ। हम एक कढ़ाई में किसी में भी स्टीम हम इसको स्टीम करेंगे। तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे, उसमें एक स्टैंड डाल देंगे और एक छन्नी में हम ये सारे जो हमने बना रखा है बथुए का, उसको हम स्टीम कर लेंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे और 10 मिनट बाद हम देख लेंगे हमारा जो हमने स्टीम करने रखा था वो हमारा तैयार हो गया है। बस इसे अब हमने क्या करना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। तो चलिए तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे, सरसों के तेल में सब्जी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर यहाँ पे हींग डाल देंगे और हमने यहाँ पे 1 बड़े दाने का यहाँ पे प्याज का हमने पेस्ट बना रखा है, प्याज और लहसुन का, 2-4 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। बस इसको हम हल्का सा भून लेंगे। तो जब तक हमारा वो गट्टे हमारे जो तैयार हो रहे हैं यानी कि ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम इसके मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हमने भून लेंगे लगातार चलाते हुए, गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई कीजिएगा। बस जब प्याज इस तरह से हल्का सा भून जाए, तब हम यहाँ पे डालेंगे 1 से 2 टमाटर की प्यूरी, इसे भी हम हल्का सा मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ सूखे मसाले यूज़ करेंगे। तो सूखे मसाले में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जितना तीखा आपको पसंद हो, और यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर और यहाँ पे डालेंगे मेन चीज़ है किचन किंग मसाला। बहुत अच्छे से इसमें टेस्ट आता है सब्जी में। बस इन्हें हम भून लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे और मिनिमम इसको भूनते भूनते हमें 5 मिनट हो जाएंगे। हम यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर नमक डालेंगे और फिर हम इसे भूनेंगे जब तक से इसमें ऑयल रिलीज ना होने लग जाए। तो मसाला हम भूनने के लिए रख देते हैं, हम अपना वो जो बना रखा है सब्जी वो हम तैयार कर देख लेते हैं। तो ये ठंडा हो चुका है, अब हमने क्या करना है, इसे कट कर लेना है जैसा आपको शेप पसंद हो। मैं यहाँ पे गोल राउंड ही इसे शेप यानी शेप दूंगी। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे सारे। तो हम बना रहे हैं आज बथुए का गट्टे यानी कि बथुए की सब्जी की गट्टे की सब्जी बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए इसके अंदर कितने अच्छे से जालियां बनी हुई है, एकदम परफेक्ट ये तैयार है।
तो इसी तरीके से हम सारा जो गट्टे हैं इनको कट कर लेंगे। गेहूं का आटा डालने से क्या होता है कि गट्टे हमारे हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे गट्टे तैयार कर लेने हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अगर आपको ऐसे ही खाना हो तो आप इन्हें ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए एक पैन गरम कर लेते हैं, उसमें 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे और जो गट्टे हमने बनाए हैं उसको हम एक एक करके पैन के ऊपर रख देंगे। हमारे गट्टे जो है उसमें सिकाई हम कर लेंगे ताकि ये डबल कोटिंग में सिक जाएंगे और बहुत ही अच्छा इनका स्वाद बन के आएगा। तो फ्रेंड्स, शायद ही आपने इस तरीके का मिठुए की सब्ज़ी बनाई होगी, और अगर बनाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे आपने बनाई है। अच्छी लगी होगी तो बताइएगा ज़रूर। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोनों तरफ अलटते पलटते हुए हमने इनको हल्का हल्का सेक लेना है। इससे क्या होगा, सब्ज़ी में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। बस 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे इन्हें सेक लेंगे, जब तक इनका कलर इस तरह से चेंज ना हो जाए। तो चलिए गट्टे हमारे तैयार हैं, हम चलते हैं अपनी ग्रेवी के लिए। तो मसाला भी लगभग हमारा भून ही चुका है, तो अब हम यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी पतली चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड कीजिएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाला है। तो मैं ये सब्जी 2 से 3 लोगों के लिए ही तैयार कर रही हूँ, तो बस इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आने लग जाएगा तभी हम इसमें गट्टे डालेंगे। तो सब्जी में हमारा यानी कि ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो हम यहाँ पे गट्टे डालेंगे। देखिए कितना शानदार कलर आया है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत आपको पसंद आएगा ये सब्जी। तो बस इन्हें मिला लेंगे और इसमें लास्ट में हम डालेंगे एक चीज़ जिससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है दोगुना बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला और यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी। थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी में ही डालना है। बस इसे मिलाते हुए हम इसे कवर कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। जब हम इसको 5 से 7 मिनट के लो फ्लेम पर बनाएंगे तो गट्टे के जो साइज़ है हमारा फूल जाएगा। तो 5 से 7 मिनट बाद हम देखेंगे हमारी गट्टे की सब्जी बनके तैयार है। कितना कलर इसका प्यारा आया है ये देखिए। ग्रेवी एकदम परफेक्ट है, ना पतली है ना गाढ़ी है। और गट्टे का साइज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा फूल जाते हैं जब हम इस तरह से इन्हें बनाते हैं। तो हमारी सब्जी बनके तैयार है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड, हमारी गट्टे की बेथुए की सब्जी की नई न्यू रेसिपी बनके तैयार है। कैसी लगी फ्रेंड ज़रूर बताएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह की न्यू रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बेहद अच्छी लगी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो ये देखिए इसका लुक और टेक्चर कितना परफेक्ट है। आप इसे रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी ये बेहद पसंद आती है। तो फ्रेंड बताइएगा रेसिपी आज की कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा।